बस पॉल अभी खाली गाड़ी पार्क कर ले, खाना खा के फ्रेश अप होके विल गो टू स्लीप, आराम से कल उठे के डन। चलो सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग, डे 3 चंडीगढ़ टू शिमला। शिमला में 2 दिन का हॉल्ट रहेगा। सबसे पहले अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद देन वी गो टू शॉप जहाँ पे वो चेन स्नो बेचता है। फिर आज कुछ 150 किलोमीटर्स ट्रैवल करने का है। शिमला में 2 दिन का उन्होंने का स्टे का बुकिंग कर लिए, देखते हैं कैसा है। तो पॉल ने तो गाड़ी चमका दी है। स्नोचन तो बाहर लटका हुआ है। बड़ा प्रॉब्लम हो गया, स्नो चेन इज आउट ऑफ स्टॉक। देखते हैं शिमला में मिलता है कि नहीं मिलता है। स्नो चेन तो चाहिए, मैं तो कैसे ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्केट करिए गाड़ी, मतलब नहीं है गाड़ी पे प्रेशर या स्ट्रेस लेके आने के लिए। चलो नाश्ता करेंगे और करेंगे एंड वी लीव फॉर शिमला। जस्ट नाश्ता करने के लिए रुके, वेदर इज ऑसम यार, क्या मज़ा आ रहा है। शिमला का ये रूट मज़ा आ गया। यहाँ पे एक फूड ट्रक जैसे बोल सकते हैं। हाँ आता हूँ। इतना आगे बजाना पराठा खाने का है। इसको बोलते हैं पराठा। डू यू वांट? नहीं वो तो खा गया। क्या मजा है खाके पराठा, बाप रे बाप। भाई शिमला में आपका स्वागत है। इट्स आफ्टरनून 2 PM, शिमला पहुंच गए। 112 किलोमीटर ही था बट यू नो 3-4 घंटा लग गया। रोड्स ऐसे 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 थे। नाउ शिमला देखते शाम को कुछ साइट सीइंग करने जाएंगे, क्योंकि कल तो काजा के लिए निकलना है। काजा यार से कुछ गूगल मैप में 8 घंटा दिखा रहा है, कल से बर्फ़ दिखना चालू हो जाएगा। वो उधर भी एक दिख रहा है, दिखाता हूँ। पता नहीं इतना होएगा कि नहीं होएगा। वहाँ पे बोरा बर्फ़ दिख रहा है। काजा में मजा आएगा, काजा से स्टार्ट होगा मजा आएगा। चलो पपी बावड़ा बावड़ा सब है।
नंबर पर तो पूरा दबी गया। चलो पहले चेक इन करते रूम में, एंटर करके रूम टूर, फिर देखते क्या करने के शाम के लिए। ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ कौन क्या रूम है, क्या रूम है, क्या रूम है, बाप रे बाप क्या व्यू है। ओह ओह क्या व्यू है, व्यू का पैसा है, व्यू का पैसा है भाई, मजा आ गया। होटल एक्सपेंसिव है बट व्यू देख के। पॉल सांस चढ़ रही है, ठंडे ठंड सांस चढ़ रही है। इंस्टा 360 का वीडियो भी निकालता हूँ, उसमें पूरा दिखेगा। If you love me, I got a word for the both of us. Put you in a travesty. Don't gotta hurry in and in my love. With me, gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. जो जम मारा ना, ए बड़ी, ए बड़ी, बूम। बागड़ा आ गया दोस्तों, क्यों क्या लगता है, आग लगता है, आग जलाने वाला लगता है।
ये लोग मेंटल हो गया ये लोग। क्या भाई अब नहीं 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 जब सामान लाओ भाई। चाय भेजू तो सब खाटो प्लास्टिक को मेल है वो फीमेल है। ले भाई होटल में मजा आ गया। शिमला मार्केट जाके आए थे। आज सैटरडे है तो बाप रे बाप लगता है आज सब टूरिस्ट आज शिमला में ही है। नारकंडा इज शोइंग 250 किलोमीटर्स। बीच बीच में देयर इज पॉइंट जैसे कल्पा है, सुसाइड पॉइंट है, रेकोंग पीओ कुछ नाम है, आपको पता नहीं कैसा नाम है। सब आइटनरी मैंने बना के रखा हूँ। अभी से पूरा व्लॉग सब ट्रैवलिंग का ही था, बट अभी मंडे से व्लॉग जो नेक्स्ट व्लॉग रहेगा वो मंडे से वो अच्छा रहेगा, वो फुल बर्फ, वो टिपिकल एडवेंचर चीजें होएंगी, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बस के लिए फोटो लेने का है, जरा आओ नीचे तो पॉल अपने आए भाई बात करने के लिए। जाते उस तरफ जहाँ पे वो येलो कलर का लैंप पोस्ट है, वहाँ पे अच्छा फोटो आएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना अरबाज समीर 9 नीचे आएगा। चलो पॉल जरा देखो ना क्या मस्त बैठे। तीन
की माँ की तूने मेरे को मारा ना, मेरा ब्रेड बटर खा लिया। और 300 रुपए का ब्रेड बटर खाया, रूम में घुस गया सीधा। तूने मेरा 300 रुपए का ब्रेड बटर खाया ना, दारू पिएगा दारू गाजर फूकेगा आज बीड़ी पीते आज रात को बीड़ी फूकेगे टेम्परेचर थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी 6 डिग्री कभी 8 डिग्री, रात को 2 बजे तो शायद से 2 डिग्री या 0 डिग्री पे होने वाला है। खाली आवाज आ रहा है, खाली पेट से आवाज आ रहा है, खाली डेंजर है यहाँ पे रहने के लिए, कभी भी ऊपर से आके मार देंगे लोग। अरे वाह माँ, अरे पोल जरा देखो बॉयस, अपने बाप क्या क्या नजारा है, क्या नजारा है। व्यू टू डाई फॉर। तीन डिग्री हो गई है, बहुत मजा आ रहा है, वर्ड्स नहीं बोलने के लिए इतना मजा आ रहा है। अभी तो बॉनफायर है, ले लेते काजा कल्पा चीचम ब्रिज, जा भी जाएंगे वहाँ पे, ऐसे तो होटल मिलने वाले हैं नहीं। वैसे बॉनफायर तो मैंने भी लेके आया हूँ, निकलने से पहले अमेज़न से मैंने मंगा लिया था, गाड़ी में कोल वोल सब पड़ा हुआ है, जा लगा कि बर्दाश्त के बाहर है, सीधा बॉनफायर चालू, क्योंकि वहाँ पे ऐसे होटल मिलने वाले तो बहुत मुश्किल है, वहाँ पे वो होम स्टे ही सब मिलने वाले थे।